तो वेलकम बैक गाइस, आज हमें टाटा के शोरूम में और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा पंच। सो इसमें क्या क्या आपको डिटेल्स मिलने वाली है, क्या क्या होते हैं इसके जो की फीचर्स हैं उनके बारे में, तो इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपसे कृष्णा जी के साथ। और अब इसमें जो भी फीचर्स वगैरह मिलेंगे दोस्तों, वो सारे कुछ ये सारी जो स्पेक्स होते हैं वो ये बताएंगे आपको। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो के साथ और देखते हैं टाटा पंच में क्या क्या होने वाला है आपके लिए फीचर्स। तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी प्राइस सेगमेंट में कि क्या होने वाली है इसकी प्राइसिंग स्टार्ट से। प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो 6.92 लाख ऑन रोड से कार स्टार्ट होती है। टॉप एंड तक जाओगे अगर तो इसका 11 लाख तक टॉप एंड वेरिएंट आ जाता है। इसमें ट्रांसमिशन की बात करूँ तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आती है कार। और आप अगर कार की स्पेसिफिक बात करते हैं तो कार अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार है। इसने जी एन के में 5 out of 5 रेटिंग लेके आई कार। ये ग्लोबल एंड कैप में जो इसकी टेस्ट हुई थी सेफ्टी की रेटिंग, तो इसमें 5 की रेटिंग आई है, जो कि अभी मतलब देखे तो भारत की टॉप सेफेस्ट कार्स में से एक है पंच। और ये जो प्राइस सेगमेंट है उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी तक में सबसे सेफ कार यही है, क्योंकि दूसरी सारी 4 या 4.5 की रेटिंग आती है, इसमें 5 पूरा कंप्लीट किया है इस सेगमेंट में। इसके अलावा बात अगर कार की लुक्स की करते हैं तो पूरी कार टाटा की इम्पैक्ट 2.2 डिजाइन फिलोसोफी में बेस्ड है। आप एक बार कार की बिल्ड क्वालिटी भी फील कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कार में जो टाटा ने स्टील यूज़ किया है वो नॉर्मल स्टील से 36% हाई स्ट्रेंथ स्टील है। तो अगर बात करें तो दूसरे जो बोनट्स होते हैं उनके मुकाबले में हैवी भी फील हो रहा है और टफनेस आपको फील होती है जब आप कार भी ड्राइव करते हो। इंजन की अगर बात करते हैं तो 1.2 लीटर कंपनी इंजन इसमें ऑफर करती है, जो कि 86 पीएस की पावर जनरेट करता है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि सेगमेंट की कार्स के बराबर है। पावर अगर आप देखोगे ऑन पेपर जो इसके सेगमेंट्स की कार है उनसे 3 PS ज़्यादा पावर, 86 पीएस, बाकी ब्रांड्स 83 पीएस ही पावर देते हैं। इंजन के साथ नॉर्मल 1.2 लीटर इंजन जो सारे ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंजन के साथ एडवांसमेंट यह है कि इसका इंजन डायना प्रो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। डायना प्रो टेक्नोलॉजी क्या होती है, कार का जो एयर फिल्टर होता है वो ऊपर की तरफ प्लेस्ड है, जिससे इंजन की एयर इंटेक कैपेसिटी इंक्रीज होती है। लंबे रूट में अगर ड्राइव करें तो इंजन ज़्यादा हीट नहीं होता है। सेफ्टी जैसे मैं बता रहा था आपको, 5-star सेफ्टी रेटेड है। क्यों है कैसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं। इंजन एक तो इसका पूरा सफरिंग पे डिपेंडेंट है और सफरिंग पे डिपेंडेंट का बेनिफिट ये है कि अगर फ्री इंपैक्ट होता है कार का तो इंजन खुल के फ्रेम पे आ जाएगा। बाई चांस इंजन की माउंटिंग अगर नहीं खुलती है तो कार का बॉडी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मजबूत है, आप अगर देखोगे तो इंजन के उस तरफ 3 इंपैक्ट बीम बार्स लगी हुई है, ऊपर बीच में और नीचे, आपको दिखेगी नहीं, ये अंडर बॉडी होती है यहाँ पे बीच में और नीचे, तो इंजन को उसी जगह होल्ड करके रखती है। तो आप मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर जो बैठे हैं वो बिल्कुल फुल्ली सेफ है। की बात करते हैं तो इसमें आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, स्टॉप लैंप, ये टाटा का एक सिग्नेचर है, ट्राई एरो पैटर्न टाटा फॉलो करता है, तो आपको इसके अंदर ट्राई एरो पैटर्न मिल जाते हैं पीछे। और अगर बूट स्पेस की बात करते हैं तो इसका बूट स्पेस है इस कार का, आप सीट्स फोल्ड भी कर सकते हैं और अगर ट्रे हटा देते हैं तो 366 लीटर का बूट स्पेस हो जाता है, तो आप ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हैं कार के अंदर। अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो एक इतना स्टोरेज एम्पल होता है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है अलॉन्ग विद टूल्स, ये आपको साथ में कंपनी रिफ्लेक्टर्स भी देती है, एक जो सिर्फ टाटा ही देता है। आप अगर देखोगे तो अगर हाईवेज वगैरह आपकी हाईवेज पे अगर आपकी कार पंक्चर वगैरह हो जाती है तो बाकी ब्रांड्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप स्पेयर व्हील चेंज करके वो करो। टाटा आपको एक अल्टरनेटिव और देता है, पंचर केयर किट, इसके साथ एक इन्फ्लेटर और एक लिक्विड। ये इन्फ्लेटर आगे इसके साथ लगता है, इसमें नोजल दी हुई है वो टायर के अंदर जाती है, लिक्विड इस मशीन के अंदर जाता है और पैक होता है, तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये 20 ml तक आपको इसमें फिल करना होता है और उसके बाद कार आपको 80 की स्पीड पे एक बार करते हो रन 2 मिनट तक तो कार में लिक्विड हो जाता है रोटेट, जहाँ पे भी पंक्चर उस जगह जाके पैक कर देता है। तो ये सिर्फ टाटा ही दे रहा है, एक काफ़ी अच्छा एक अल्टरनेटिव है, क्योंकि स्पेयर व्हील चेंज करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। मतलब आप अगर दो जने हो तो ईजी है, अगर आप एक सिंगल ड्राइवर हो तो ये बहुत एक कन्वीनियंट है। 16 inches के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, टायर साइज इसकी 195/60 है, तो टायर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 187 mm। टाटा आप अगर देखोगे तो अभी 3-4 चीज़ों पर टाटा बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, एक तो कस्टमर्स की सेफ्टी पे, अपने कस्टमर्स को सेफ्टी प्रोवाइड टाटा कर रहा है। सेकेंड चीज़ अगर कम्फर्ट की बात कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया कार के सस्पेंशन, और अगर कम्फर्ट की बात करते हैं तो आप अगर कार में बैठोगे तो पंच के साथ एडवांटेज ये है कि इसके जो गेट है वो 3 स्टेप में खुलते हैं,
ये पहला स्टेप है, दूसरा और ये 90 डिग्री गेट ओपनिंग के साथ कार आती है, जिससे इंग्रेस आउटग्रेस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपका कार के अंदर। ये आपको स्मार्ट की ऑफर करती है टाटा, इसमें इसमें आपको लॉक अनलॉक के स्विच के साथ फॉलो मी होम लैंप्स और टेल गेट ओपन करने का स्विच भी मिलता है। अब अगर कार की बात करते हो तो टाटा इसको पेप्स बोलता है, पैसिव एंट्री पुश स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट के साथ आप कार स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर देखते हो तो कार यहीं से स्टार्ट रहेगी। सेकेंड चीज कार के अंदर आपको मैं बताऊँ तो इस तरफ आपको कार में दो ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको और सिटी। तो कार की पावर आपके हाथ में है कम्प्लीटली, आप डिसाइड करोगे कि आपको कार में कितनी पावर चाहिए, इधर इको और सिटी। ज़्यादा पावर चाहिए तो सिटी, नहीं तो इकोनो में आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा। उसके अलावा आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप का स्विच है। ये कैसे वर्क करता है, जैसे आप अगर ट्रैफिक में हो और कार अगर आप कर रहे हो रन, तो ट्रैफिक में जैसे ही आप कार रुकोगे तो आपको, आप अगर देखोगे कार अगर हो गई बंद तो आपको वापस पुश बटन स्टार्ट से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आइडियल स्टार्ट स्टॉप में ये होता है कि आप क्लच प्रेस करोगे तो कार स्टार्ट हो जाएगी, आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं। ये आपकी थोड़ी फ्यूल इकोनॉमी भी इंक्रीज़ करता है, जो फ्यूल बाहर जा चुका है टैंक से उसी फ्यूल में आपकी कार वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका मतलब माइलेज भी इंप्रूव करेगा और प्लस आपकी कंफर्ट और आपकी कन्वीनियंस के लिए कंपनी ने ये चीज़ भी दे रखी है इसमें। उसके अलावा स्टीयरिंग की बात करते हैं आप, तो 3-स्पोक स्टीयरिंग देता है टाटा इसके अंदर, जो आपकी ग्रिपिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाता है। आप अगर वन हैंड से ड्राइव कर रहे हो हाईवेज वगैरह पे तो आपकी ग्रिपिंग स्टीयरिंग पे काफ़ी अच्छी रहती है। स्टीयरिंग आपको फ्लैट बॉटम मिलता है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपकी नी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होंगी कोलाइड आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो, जिनकी हाइट ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा आप सामने की तरफ देखोगे तो इसमें तो आप देखोगे दो एनालॉग मीटर और एक पार्ट डिजिटल मीटर आपको छोटा सा इसमें कंपनी ने ऑफर किया है, लेकिन इसके ऊपर वाले सेगमेंट्स में अगर आप जाओगे तो कंपनी आपको TFT डिस्प्ले भी प्रोवाइड करती है। TFT डिस्प्ले में क्या होता है सर, आपको एक मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा मिल जाएगी और एक वो फ़ोन की स्क्रीन की तरह होता है तो वो मिल जाता है। फिर अगर मैं आपको बताऊँ तो कार में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ गए सारे, वॉल्यूम अप एंड डाउन, चैनल चेंज करना है, सॉन्ग चेंज करना है, ब्लूटूथ मोड से कहीं पे आपको स्विच करना है तो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। वॉइस कमांड के फीचर्स भी है कार में, आप चाहे कार को इंग्लिश में कमांड दो या हिंदी में, कार दोनों ही कमांड्स को फॉलो करती है। सपोज आपका फ़ोन कनेक्टेड है, आपने बोला कॉल टू राहुल तो भी कार समझेगी, और राहुल को फ़ोन लगाओ तो भी कार समझेगी। तो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए एक अच्छा फीचर आ जाता है, कॉल कट कर सकते हो, कॉल उठा सकते हो। इस तरफ अगर आप देखोगे तो क्रूज कंट्रोल भी कंपनी आपको ऑफर करती है। इस प्राइस ब्रैकेट में पंच इज द ओनली कार जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किया गया है कंपनी के द्वारा। उसके अलावा मैं बात करता हूँ सर कार के इंटीरियर में, और तो आपको बेस्ट इन सेगमेंट हरमन कार्डन का साउंड सिस्टम मिल जाता है। ये जो डिस्प्ले है आपकी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले दोनों को ही सपोर्ट करता है, और आपकी कन्वीनियंस को अगर आप देखोगे तो आपकी कन्वीनियंस और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है इसके अंदर। इसमें एक वॉट 3 वर्ड्स का भी फीचर है जो इस सेगमेंट में और कोई ऑफर नहीं कर रहा है। वॉट 3 वर्ड्स एक नेविगेशन बेस्ड ही सर्विस है, आप जैसे गूगल मैप करते हो वैसे ही वर्क करता है, लेकिन इसमें इनबिल्ट है तो यह आपकी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर देता है। उसके अलावा आप अगर देखोगे तो इसी ही कार में आपको हरमन कार्डन के स्पीकर्स मिलते हैं, तो म्यूजिक क्वालिटी कार की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। नीचे अगर आप आओगे तो एसी वेंट्स की जो प्लेसिंग है उनको ऐसा कर रखा है कि जैसे कार कोई भी ड्राइव कर रहा है तो सबको इक्वली एयर डिस्ट मतलब हवा जो है सबको इक्वली मिलेगी। पीछे एसी वेंट कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन आप अगर देखोगे कार का फ्रंट एसी इतना पावरफुल है कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देता है। उसके बाद अगर मैं और बात करूँ तो आपको कंपनीज में इलेक्ट्रिक एसी देती है। इलेक्ट्रिक एसी क्या होता है सर, जनरली पहले कार्स में आप देखोगे तो एक नॉब आती थी 1, 2, 3, 4, आपको फैन की स्पीड एडजस्ट करनी पड़ती थी। इसमें कंपनी ने एक एडवांसमेंट पंच के बेस मॉडल से स्टार्ट किया है कि आपको इलेक्ट्रिक एसी मिलता है। कंट्रोल्स आपको देखोगे तो प्रॉपर कंट्रोल मिलते हैं, हवा का ब्लो एडजस्ट करने के लिए कितनी हवा चाहिए सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं, नहीं तो जनरली बाकी ब्रांड्स जो है वो नॉब्स देती है। इसके बाद कंपनी ने हमारी अल्ट्रोज में भी ये सिस्टम करवा दिया था प्रोवाइड, तो ये भी आपको मिल गया। नीचे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का फास्ट चार्जर और एक USB पोर्ट जो कि आपकी कनेक्टिविटी आप अगर एंड्रॉयड वगैरह करते हो कनेक्ट तो उस यूज़ में आएगा। नीचे आपको फ़ोन रखने के लिए जगह मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल सीट भी कंपनी देती है इसमें, तो अगर किसी की हाइट कम भी है तो भी ड्राइव कर सकते हैं। प्लस आप अगर ड्राइविंग सीट पर बैठे हो तो कार की पोजिशनिंग काफ़ी कमांडिंग है, आप अगर ड्राइवर सीट पर बैठ के कार चला रहे हो तो आपको बाकी ब्रांड जिसमें मतलब फील होता है कि भाई आप कोई छोटी कार चला रहे हो, हालांकि कार अंडर 4 मीटर ही है, लेकिन आपको एक कार प्योर SUV फील देती है वाइल ड्राइविंग। आप अगर ऑन रोड प्रेजेंस की भी बात करते हो कार की तो वो भी काफ़ी अच्छी है। आप अगर देखोगे इसमें भी एक दिया हुआ है लैंप,
तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी कर देता है अगर नाइट में आप इसको खोल रहे हो तो। इसमें आपकी सर्विस डायरी वगैरह सारा। अगर गेट की अगर बात करते हैं तो आपको चाइल्ड विंडो लॉक के स्विचेस मिल जाएंगे, सारे कंट्रोल जो ड्राइवर यूनिट के पास रहेंगे, विंडोज़ के एक्सेस जो लॉक मतलब खोलना और बंद करना। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरएम स्टॉक मतलब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो आपको इस वेरियंट में मिलते हैं और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल अगर आप देखोगे तो इससे ऊपर वाले मॉडल में आपको फोल्डेबल भी मिलेंगे। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है प्रॉपर एकदम, जो कि कार को काफ़ी अच्छा बनाता है और मतलब इंटीरियर काफ़ी अच्छा हो जाता है। और आप इसमें आप अगर देखो ये कार 20 स्पीड क्रॉस करती है अंदर चला जाता है, 20 की स्पीड के बाद चारों गेट अपने आप लॉक हो जाएंगे, ऑटो लॉक हो जाएंगे। और इसमें स्पीकर मिलता है, यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसिंग मिलती है, मतलब आप नीचे स्पीकर आते हैं इस वेरिएंट से आपको मिलने लग जाता है। आपको अकम्पलिश मॉडल से जो है आपको दो दो ट्विटर्स और चार स्पीकर कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके वजह से आगे का अपन ने देख लिया, पीछे की अगर मैं बात करता हूँ तो पीछे वाले गेट भी 90 डिग्री खुलते हैं। घर में लेडीज वगैरह साड़ी वाड़ी पहन रखी है तो इनग्रेस आउटग्रेस इजी हो जाता है कार में। फिर अगर आप बैठो आपने देखा होगा मैं कितने आराम से कार में बैठ गया, तो ये आपकी ओवरऑल कन्वीनियंस जो चढ़ना उतरना उसको इम्प्रूव करता है। ये कैंपर नी रूम मिल गया आपको, ऊपर हेडरूम भी आपको एक काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप पीछे बैठे हो तो भी आपको एक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स की जो आप देखोगे क्वेश्चनिंग जो फैब्रिक कंपनी ने यूज़ किया है ये सेगमेंट का सबसे बेस्ट है। कंफर्ट लेवल कार का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पीछे भी आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं डोर पे, और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो पावर विंडोज़ के कंट्रोल आ जाते हैं। वन मतलब एक एक लीटर की बोतल होल्डर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। आप चारों ही गेट पे एक एक लीटर की बोतल जो है आराम से स्टोर कर सकते हो। बाद अगर आप अगर देखोगे तो ये सीट तो आपकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है भैया, तो फिर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा नीरूम है। और ये सीट जो है ऑलमोस्ट पूरी पीछे है, ऑलमोस्ट पूरी पीछे होने के बाद भी आप अगर देखोगे तो काफ़ी सही नीरूम मिल जाता है सर आपको यहाँ पे। हेडरूम तो आपको वैसे हेडरूम तो काफ़ी प्रॉपर मिलता ही आपको। एक और चीज़ है, जैसे आप अगर पीछे बैठे हो तीन जने तो इसका जो रियर सरफेस है बिल्कुल फ्लैट है, तीन जने आप आराम से बैठ सकते हो। और कार में इतनी एक एम्पल विड्थ दी है कंपनी ने कि अगर दो तीन अडल्ट बैठे हैं पीछे तो उनको उनके शोल्डर्स कोलाइड वगैरह नहीं होंगे। तो और बीच में भी काफ़ी आपको स्पेस मिल रहा है, बीच में अगर आप देखोगे तो एक जना आराम से बैठ सकता है। और ये सरफेस फ्लैट होने का फ़ायदा भी यही है कि अगर जो गलती से कोई तीसरा भी बैठा है, वैसे तो इंडिया आप कितने भी लोग बैठ सकते हो, लेकिन तो अगर कोई तीसरा भी बैठा है तो वो भी आराम से बैठ पाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। और सीटिंग भी इसमें काफ़ी इजीली है, वैसे कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी दे रखी है। जो आप कह रहे हो ना ये सपोर्ट जो यहाँ पे मिलता है सीट में वो भी काफ़ी पकड़ के रखता है आपको इसमें। बात करते हो तो LED DRLs अलॉन्ग विद टर्न इंडिकेटर्स कंपनी प्रोवाइड करती है आपको यहाँ पे, जो कि कार की लुक को काफ़ी इंप्रूव करते हैं। आप अगर देखोगे कार हमारी हैरियर से इंस्पायर्ड है थोड़ी थोड़ी, हैरियर में बिल्कुल ऐसे DRLs ही देती है कंपनी। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको ह्यूमिडिटी क्रोम लाइन कंपनी ने ऑफर किया जो कि कार को और ज़्यादा इसकी लुक को है उसको इम्प्रूव करते हैं। नीचे आपको कंपनी अगर देखोगे तो प्रोजेक्ट नीचे आपको प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स कंपनी प्रोवाइड करती है, ये हाई बीम और ये लो बीम के लिए पास में आता है। नीचे आपको फॉग लैम्प्स, प्रोजेक्ट लैम्प्स का बेनिफिट ये है कि अगर आप हाईवेज वगैरह पे कर रहे हो ड्राइव और डार्कनेस ज़्यादा है तो चीज़ों को करती है प्रोजेक्ट, जिससे आपकी ओवरऑल विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिलते हैं बाय, अगर आप कहीं पैची रोड्स पर ड्राइव कर रहे हो तो उसके इसमें विजिबिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है नीचे फॉग लैम्प्स की वजह से। नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे भी कंपनी ने वेंट्स दिए हैं बहुत सारे, तो एक तो ट्रायरो थीम भी फॉलो कर दी और रेडिएटर को एक अच्छा एयर इंटेक मिल गया, तो इंजन ज़्यादा हीट नहीं होगा आपका अगर लंबे रूट पर ड्राइव करते हो। की बात करता हूँ तो धूप ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हमारी अगर देखते हैं डीलरशिप तो काफ़ी सालों से मार्केट में है। हमारे पास इस ब्रांड के अलावा और भी ब्रांड्स की डीलरशिप्स हैं, तो हमारे जो डीलर हैं उनका कोर बिजनेस ही यही है। और कस्टमर्स की अगर बात करते हो तो हम उनकी हर डीलर्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो हमारे डीलर्स जो हैं उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह हमारा जो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और थैंक यू करना चाहेंगे कृष्ण वगैरह कि इन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प की और बहुत ही अच्छे से डिटेल्स वगैरह बताए। अगर इसमें आपको और भी कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, उसमें हम आपको आकर के जो भी होगा आपको सवाल उसका आंसर कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।